हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? अच्छे हो ना? गुड। नाउ टुडेज आवर लेसन इज मैथ्स। क्या सीखेंगे हम आज? मैथ्स, न्यूमरेसी स्किल्स। ओके, तो मैथ्स में आज हमें क्या सीखना है? ओपन पेज नंबर 10। ओपन पेज नंबर 10। यहाँ हम क्या देखेंगे? बिग बिगर एंड बिगेस्ट कंसेप्ट। क्या देखना है हमें? बिग बिगर एंड बिगेस्ट कंसेप्ट। दैट मीन्स व्हाट? वी हैव 3 डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आई विल शो यू वन पिक्चर ऑफ शिप। ठीक है, दिस इज अ शिप। Now we can see this is a big ship. हम इसे क्या बोलेंगे? This is a big ship. ठीक है, अब मैंने इसके बाजू में उससे थोड़ा बड़ा ship निकाला. Okay, I'll draw little bit bigger ship. Bigger ship here. And what I say? This is a big ship. But compare, अगर दोनों में compare किया तो इससे ये ship बड़ा है. Isn't it? है ना, ये शिप से ये शिप थोड़ा बड़ा दिख रहा है। दैट मीन्स दिस इज अ बिग शिप बट दिस इज अ बिगर शिप। थोड़ा बड़ा है मतलब क्या है? बिगर। ठीक है, दिस इज अ बिग, पहले सिर्फ एक ही शिप था, ओनली दिस वन, सो दैट मीन्स दिस इज अ बिग शिप। फिर जब मैंने उसके बाजू में थोड़ा बड़ा शिप रखा, सो दैट मीन्स कंपैरेटिवली इफ यू सी, दोनों में अगर कंपैरिजन किया तो व्हाट वी विल सी हियर इज This shape is bigger than this, है ना? और अगर still I have drawn still more a little bit bigger, इससे थोड़ा bigger shape मैंने draw किया here. Now what I can say, this is a big shape, this is a bigger, but this is a, ये shape क्या है? सबसे ज़्यादा बड़ी है, that means biggest. क्या है? Biggest shape. Understood? तो अभी समझ में आया, बिग मतलब अगर हम एक ही पिक्चर देखते, इफ वी आर गोइंग ओनली फॉर वन पिक्चर, तो दिस इज अ बिग शिप। ओके, नाउ अगर उसके बाजू में हमने ये शिप ड्रॉ किया, तो नाउ वी कैन कंपेयर इन बोथ शिप एंड वी कैन से लाइक दिस, दिस इज अ बिगर शिप देन दिस। ये शिप बड़ा है, इससे थोड़ा बड़ा है, दैट मीन्स दिस इज अ बिग, दिस इज अ बिगर। और अगर उसके बाजू में हमने उससे बड़ा शिप निकाला, तो व्हाट वी कैन से इज दिस इज द बिगेस्ट शिप। मतलब ये दोनों शिप से ये शिप ज्यादा बड़ा है। ओके, दिस इज द बिगेस्ट वन। तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बिग, बिगर एंड बिगेस्ट। ठीक है, नाउ वी कैन से सेम कंसेप्ट लाइक लॉन्ग, लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट। ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे? लॉन्ग, लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट कंसेप्ट। ओके, सो सपोज आई ड्रॉ वन कैंडल हियर। मैंने यहाँ पे एक कैंडल ड्रॉ किया। ओके, दिस इज अ कैंडल, सो आई कैन से दिस इज अ लॉन्ग कैंडल। मुझे कैसे दिख रहा है? दिस इज अ लॉन्ग कैंडल। ठीक है, नाउ उसके बाजू में मैंने उसे थोड़ा बड़ा कैंडल ड्रॉ किया। ओके, ये कैंडल इससे बड़ा है, दिस इज अ पॉजिटिव, दैट मीन्स दिस इज अ लॉन्ग। नाउ वी कैन कंपेयर बोथ द कैंडल्स। अभी हम दोनों का कैंडल्स को अगर कंपेयर करते हो, तो विच वन इज लॉन्गर? दिस वन, ये लॉन्गर कैंडल हो गया। ठीक है, दिस इज अ लॉन्ग बट दिस इज अ लॉन्गर, इससे थोड़ा बड़ा है, दैट मीन्स दिस इज अ लॉन्गर। एंड सपोज आई ड्रॉ वन मोर लॉन्गेस्ट कैंडल हियर, एक और बड़ा कैंडल मैंने ड्रॉ किया, तो नाउ वी कैन सी कि ये तो बड़ा है, दिस इज अ लॉन्गर देन दिस वन एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट देन दिस, सबसे बड़ा है, सो दैट वी कैन से This is a longest one. Do you understand? समझ में आ रहा है? This is, अगर ये दो picture नहीं है, so we can say this is a long candle.
अगर ये पिक्चर नहीं है तो इन इन दिस बोथ पिक्चर्स वी कैन से दिस इज अ लॉन्गेस्ट एंड दिस इज अ लॉन्गर एंड लॉन्ग. एंड सपोज ये निकाला हमने पिक्चर, तो नाउ वी कैन से दिस इज अ लॉन्ग कैंडल, दिस इज अ लॉन्गर कैंडल एंड दिस इज अ लॉन्गेस्ट कैंडल. समझ में आया? द सेम थिंग कैन अप्लाई फॉर टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट. ठीक है, अगर सेम थिंग वी आर गोइंग टू फॉलो. अगर ये हो गया बिग बिगर बिगेस्ट, फर्स्ट व्हाट वी हैव सीन बिग बिगर बिगेस्ट, देन लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, नाउ वी कैन से टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. ओके, सो फॉर दैट आई कैन ड्रॉ वन हाउस हियर. ठीक है, ओके, रादर देन ड्रॉइंग हाउस वी कैन ड्रॉ अ बिल्डिंग हियर. हमने एक बिल्डिंग ड्रॉ किया यहाँ पे. ओके, दिस इज अ टॉल बिल्डिंग विथ 3 or 4 floors, व्हाटएवर. ठीक है, दिस इज अ टॉल बिल्डिंग. व्हाट वी कैन से, ये कैसी बिल्डिंग है? दिस इज अ टॉल बिल्डिंग. ठीक है, नाउ आई कैन ड्रॉ अ थोड़ा बड़ा बिल्डिंग, उसके बाजू में मैंने खड़ा किया. ठीक है, दिस वन इज टॉल, बट इफ वी कैन कंपेयर दीज बोथ दीज बिल्डिंग्स देन वी कैन से दिस इज द टॉलर वन. दिस इज द टॉलर वन, दिस इज अ टॉल, दिस इज अ टॉलर. एंड सपोज आई ड्रॉ वन मोर बिल्डिंग बिसाइड दिस, अगर मैंने इसके बाजू में एक और बिल्डिंग खड़ा किया, देन व्हाट वी कैन से, वी कैन से दिस दिस इज अ टॉल, दिस इज अ टॉलर, बट दिस इज द टॉलेस्ट वन. सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? दिस वन. सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड, दिस इज अ टॉल, दिस इज अ टॉलर. क्यों? बिकॉज वी कैन कंपेयर दीज टू बिल्डिंग. ये बिल्डिंग नहीं है. सो इन दिस बोथ बिल्डिंग इफ वी कंपेयर द साइज, वी कैन से दिस इज अ टॉलर देन दिस, दिस इज अ टॉल, दिस इज अ टॉलर. और अगर तीसरा बिल्डिंग आया, दिस इज कॉल्ड टॉलेस्ट. ठीक है, तो आज हमने तीन कंसेप्ट देखे, बिग बिगर बिगेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट एंड टॉल टॉलर टॉलेस्ट. अंडरस्टैंड? ये देखा. तो नाउ वी कैन सी हियर, सी वी कैन सी फ्यू मोर एग्जाम्पल्स हियर. यहाँ पे हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे. ठीक है, कैन यू सी हियर? फर्स्ट वन वी कैन सी बिग बिगर एंड बिगेस्ट. ठीक है, अब यहाँ पे हियर वी कैन सी वन टॉय. मुझे यहाँ पे एक टॉय दिख रहा है, दिस इज अ बिग टॉय. क्योंकि ये दो टॉयज नहीं है, वी कैन सी दिस वन, दिस इज अ बिग टॉय. देन वी कैन सी दिस वन, दिस इज अ बिगर देन दिस, ये टॉय इससे थोड़ा बड़ा है. सो व्हाट वी कैन से, दिस इज अ बिगर देन दिस. ओके, एंड इफ वी सी दिस वन देन व्हाट वी कैन से, दिस इज अ बिगेस्ट देन दिस टू, ये सबसे ज्यादा बड़ा है. सो दिस इज अ बिगेस्ट देन दिस एंड दिस. डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज अ बिग, this is a bigger and this is the biggest, सबसे बड़ा वाला. Do you understand? Now come to the next example. What we can see here is a lion. दिख रहा है ना सबको? lion. So first of all we can see this one, this is a big lion. अगर ये दो lion नहीं है तो what we can see, this is a big lion, ये बड़ा lion है. If we saw this and this, these two lions, तो अभी ये दोनों में बड़ा कौन सा है? This one, correct. So, what we can say? This lion is bigger than this. ये lion bigger है, ये lion big है. This lion is big, but this is bigger than this one. Okay, and suppose we saw this lion, then what we can see is, this is the biggest one. ये दोनों से बड़ा कौन सा लायन है? दिस वन. डू यू अंडरस्टैंड नाउ? समझ में आया? बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा. ठीक है, सो बिग
bigger, biggest. Okay, now come to the next picture. Here I can see three fishes. यहाँ पे मुझे तीन fish दिख रही है. सपोज मैंने ये दो फिश नहीं देखे अभी और सिर्फ एक ही फिश देखा है, देन व्हाट वी कैन से, दिस इज अ बिग फिश. ये बड़ा डॉल्फिन है, दिस इज अ बिग फिश. देन इफ आई कंपेयर दीज टू फिश, ये और ये शिप में कंपेयर किया, तो ये दोनों में बड़ा कौन सा है, दिस वन. सो नाउ आई कैन से दिस इज अ बिगर वन, इससे बड़ा. सो दिस इज अ बिग बट दिस इज बिगर. And suppose I can see this fish, then what I can say? This is the biggest. मतलब दोनों से बड़ा, सबसे बड़ा. ये तीन fish में सबसे बड़ा biggest fish कौन सा है? This one, the biggest. Understand? Now we can see the pictures of elephant. है ना? So यहाँ पे again I can see three elephants. Okay. Suppose these two elephants, we cannot see it at first go. We can see only this one. So we can say this is a big elephant. है ना, हम बोलेंगे ये big elephant है. Then suppose I saw this and this one. ये दो elephants मैंने देखे. तो अब ये दोनों में bigger कौन सा है? Correct, this one. ये bigger है और ये छोटा हो गया ना अभी. Compare it. अगर आप compare करोगे तो otherwise elephant is a big animal. Okay, this is a big, but if you compare these two elephants, we can say that this is a bigger one than this. And if we compare this elephant from these two, ye elephant ko humne ye dono se compare kiya, to what we can say is this is the biggest elephant. Kya hai ye? The biggest elephant. Okay, now do you understand the concept? Okay, now come to the next concept. It's a long, longer and longest concept. Okay, here we can see three pencils. Okay, this one, ye do nahi hai. So what we can say, this is a long pencil. Agar sirf ek hi pencil hai, to what we can say, this is a long pencil. But agar ye pencil humne iske baju mein rakha, to what we can say, this is a longer than this. और अगर ये उसके बाजू में रखा तो व्हाट वी कैन से, दिस इज अ लॉन्गेस्ट वन. लॉन्ग, लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट. ओके, ये सबसे बड़ी है. नाउ वी कैन सी हियर थ्री स्नेक्स. द सेम कंसेप्ट अप्लाई हियर. दिस इज अ लॉन्ग स्नेक. अगर ये दो स्नेक्स नहीं हैं तो व्हाट वी कैन से, दिस इज अ लॉन्ग स्नेक. अगर हमने ये स्नेक ड्रॉ किया तो व्हाट वी कैन से, दिस इज अ लॉन्गर देन दिस. एंड अगर हमने थर्ड वन लॉन्गेस्ट, सबसे लॉन्ग किया, तो व्हाट वी कैन से, दिस इज अ लॉन्ग, लॉन्गर, ये थोड़ा बड़ा और ये सबसे ज्यादा बड़ा, दैट मीन्स लॉन्गेस्ट. लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. ओके, नाउ हियर आई कैन सी थ्री लिजर्ड्स, है ना, छिपकली. सो अगेन द सेम थिंग अप्लाई. इफ ये एक ही लिजर्ड, इफ आई कैन सी, वी कैन से दिस इज अ लॉन्ग लिजर्ड. ये लॉन्ग लिजर्ड है. अगर मैंने उसके बाजू में ये उससे थोड़ा लॉन्ग वाला लिजर्ड ड्रॉ किया, तो व्हाट वी कैन से, दिस इज अ लॉन्गर देन दिस. और अगर मैंने उससे भी बड़ा लिजर्ड यहाँ पे ड्रॉ किया, तो व्हाट वी कैन से, दिस इज द लॉन्गेस्ट. ये दोनों से सबसे बड़ा, लॉन्गेस्ट वन. So that we can say long, longer and longest. Understand this concept? Now come to the next concept. It's a tall, taller and tallest. Okay. So now we can see here three buildings. Teen buildings dikh rahe. So jaise maine draw karke bhi aapko dikhaya tha. This is a tall building. Then this building is taller than this. Ye building isse thoda bada hai. So we can say this is a tall, this is a taller and this is a tallest. ये सबसे बड़ा है ना. Can you see here? This is a tallest building. Okay. Now here we can see three girls. First one is tall. This is a tall. लेकिन ये girl इससे थोड़ी बड़ी, tall है. तो we can say this is a taller than this. And this one is the tallest one. ये दोनों से सबसे tall कौन है? This girl. So now we can say this is a tall, taller
and tallest. Understand? Now here we can see three giraffes. है ना, तीन जिराफ दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे. दिस इज अ टॉल जिराफ. अगर ये दो जिराफ नहीं हैं तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ टॉल जिराफ, ये बड़ा जिराफ है. बट इफ सपोज उसके बाजू में ये जिराफ आया तो वी कैन से कि नहीं नहीं इससे बड़ा तो ये है, दिस इज अ टॉलर वन. और अगर उसके बाजू में एक और जिराफ आया तो व्हाट वी कैन से, दिस इज द टॉलेस्ट वन. इजंट इट टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. ओके, here I can see three men. Okay, this is a tall. ये tall है. But this is a taller. ये जो है वो इससे बड़ा है. So we can say this is a taller. But this one is the tallest. मतलब सबसे बड़ा है. So we can say this is tall, taller and tallest. Okay. Now here again we can see three giraffes. Here यहाँ पे एक tall giraffe दिख रहा है. Then we can see here उससे थोड़ा बड़ा and उससे थोड़ा लंबा. So we can see tall, taller, tallest. Easy. Here the same houses. यहाँ पे we can see three houses. This is a tall one. This is a taller and this is a tallest house. है ना? तो हम देख सकते, अभी हमको समझ में आया होगा कि व्हाट इज टॉल, व्हाट इज टॉलर एंड व्हाट इज टॉलेस्ट. ओके, सो नाउ लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स. लेट्स टेक आउट योर न्यूमेरेसी स्किल बुक, पेज नंबर 10. ठीक है, सो हियर वी कैन सी थ्री शेप्स. तीन शेप दिख रहे हैं. दिस इज अ बिग, बिगर एंड बिगेस्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सर्कल द बिगर वन. अभी ये दोनों में हियर वी कैन सी वन स्मॉल पोटैटो एंड हियर आई कैन सी वन बिग एप्पल. ओके, सो दिस इज अ बिग बट दिस इज अ बिगर. तो अभी हमको सर्कल किसको करना है, बिगर वन को, दैट मीन्स कैबेज को. सो वी हैव टू सर्कल दिस कैबेज बिकॉज दिस इज बिगर वन. इजंट इट, किया क्या सबने सर्कल इसको. गुड, नाउ इन नेक्स्ट पिक्चर वी कैन सी सर्कल द बिगेस्ट वन. अभी यहाँ पे हमें थ्री दिख रहा है, दिस इज बिग, बिगर और बिगेस्ट. और हमें बिगेस्ट को सर्कल करना है. तो हम कहाँ सर्कल करेंगे, वी विल सर्कल टू दिस जैकेट. सो प्लीज सर्कल दिस जैकेट बिकॉज दिस इज अ बिगेस्ट वन. ये बिग है, बिगर एंड बिगेस्ट. Understood? Okay, समझ में आया सबको. Very good. Now, come to long, longer and longest concept. So here we can see one candle. This is a long candle. This is a longer candle. And this one is the longest candle. ये दो candles है, this one is the longest. Okay. So, in the next picture, we have to take the longer rope. अभी यहाँ पे हमें वी कैन सी टू रोप्स हियर, दिस वन एंड दिस वन. बट जो लॉन्गर है सबसे, मतलब लॉन्ग एंड लॉन्गर, सो वी हैव टू टेक द लॉन्गर रोप. तो ये रोप लॉन्गर है, सो वी हैव टू टेक इन दिस बॉक्स. डन विथ दिस. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पिक्चर. हियर वी कैन सी थ्री गर्ल्स विच फर्स्ट वन हैज शॉर्ट हेयर. मतलब लॉन्ग ही है. वी कैन सी फॉर दिस गर्ल वी कैन से लॉन्ग हेयर, बट इफ वी सी दिस गर्ल वी कैन से लॉन्गर हेयर, इससे थोड़े बड़े हैं. सो वी कैन से लॉन्ग, लॉन्गर, और इसके हेयर्स तो सबसे ज़्यादा बड़े हैं. सो वी कैन से लॉन्गेस्ट हेयर. सो फॉर दिस थ्री गर्ल्स वी कैन से लॉन्ग हेयर, लॉन्गर हेयर एंड लॉन्गेस्ट हेयर. वी हैव टू टेक द लॉन्गेस्ट हेयर गर्ल. सो वी विल टेक हियर, यहाँ पे हम टिक करेंगे. ओके, सो राइट डाउन सी डब्ल्यू ऑन बोथ द पेजेस. दिस इज योर सी डब्ल्यू पार्ट, दिस इज योर सी डब्ल्यू पार्ट. डन, हो गया सबका. वेरी गुड. सो नाउ दिस इज योर होमवर्क एक्टिविटी. टर्न द पेज, पेज नंबर 12. दिस इज योर होमवर्क. ये आपका होमवर्क है. क्या है पेज नंबर 12 पे? Draw a bigger
सर्कल, ड्रॉ अ बिगर सर्कल। अब यहाँ पे हमें एक सर्कल दिख रहा है तो हमें यहाँ पे एक बिगर सर्कल ड्रॉ करना है, मतलब इससे बड़ा, और उसको कलर करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ अ लॉन्गर लाइन। हियर वी कैन सी अ लॉन्ग लाइन, बट हमें इससे थोड़ा बड़ा लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क पार्ट। नाउ नेक्स्ट इज टेक द बिगेस्ट वन। अभी ये वी कैन सी थ्री बाइसिकल्स हियर। ओके, दिस इज बिग, बिगर एंड बिगेस्ट। व्हाट वील हैव टू डू इज वील हैव टू टेक द बिगेस्ट वन। इसमें तीनों में से जो बिगेस्ट है उसको हमको यहाँ पे टिक करना है। ओके, एंड इन दिस पिक्चर वी कैन सी थ्री ग्रूम्स। फॉर आउट ऑफ दिस थ्री यू हैव टू सर्कल द लॉन्गेस्ट वन। जो लॉन्गेस्ट है उसको हमें क्या करना है, सर्कल करना है। ओके, तो हम लोग ये होमवर्क आज करेंगे। नाउ दिस इज ऑल फॉर टुडे। ओके, आज बस इतना ही होमवर्क रहेगा। यू हैव टू ड्रॉ सर्कल, बिगर सर्कल हियर, ड्रॉ अ लॉन्गर लाइन हियर, टिक द बिगेस्ट बिगेस्ट साइकिल हियर एंड सर्कल द लॉन्गेस्ट हियर। अंडरस्टैंड? और ये दो पेज क्लास वर्क, और ये आपको घर पे भी एक बार प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू टेक द ऑब्जेक्ट्स, घर पे जो भी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है वो लेना है। बिग बिगर बिगेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, और टॉल टॉलर टॉलेस्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स लेना है हमें। ठीक है, घर पे, और वो दिखाना है पेरेंट्स को। सो दिस इज ऑल अबाउट मैथ्स बुक। नाउ टेक आउट योर नोटबुक, मैथ्स नोटबुक, टेक आउट योर मैथ्स नोटबुक और इंग्लिश, वट एवर, यू कैन ऑल्सो टेक द इंग्लिश बुक ऑल्सो, एंड ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स एंड कलर इट। हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करना है और उसको कलर करना है। ठीक है, तो कौन से ऑब्जेक्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, यहाँ पे हम लॉन्ग ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे लॉन्गर, यहाँ पे लॉन्गेस्ट, देन बिग बिगर बिगेस्ट, और टॉल टॉलर टॉलेस्ट। ऐसे तीन तीन ऑब्जेक्ट सबके ड्रॉ करने हैं हमें, एंड दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क पार्ट। कैन यू सी योर, क्या करना है, ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स और उसको कलर भी करना है। ऑब्जेक्ट कर ड्रॉ करना है, कलर करना है, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट एंड टॉल टॉलर टॉलेस्ट। ओके, यू कैन टेक एनी बुक, आप इंग्लिश का बुक भी ले सकते हो इसके लिए और मैथ्स का भी बुक ले सकते हो। यू कैन टेक एनी बुक for this homework. Okay, thank you so much, that's it for the day, bye bye, have a nice day.